गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बुढ़ापा पेंशन का इंतजार कब तक समाप्त होगा, और साथ में दोस्तों हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि बुढ़ापा पेंशन इस बार बढ़कर आएगी, यानी कि 3500 रुपये। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जब भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में जो कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों, और अगली 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में बुढ़ापा पेंशन आ जाएगी। तो दोस्तों, इस बार सभी पेंशन एक साथ आएंगी, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो विधवा पेंशन जब रहने अब कर की पेंशनें हैं वो पहले लेट आती हैं, लेकिन बुढ़ापा पेंशन है वो पहले आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो कि हरियाणा सरकार एक साथ पेंशन डाल सकती है, क्योंकि दोस्तों आगे चुनाव, तो चुनाव के चलते एक साथ पेंशन आएगी। और दोस्तों, इस बार आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका 15 तारीख के आसपास बुढ़ापा पेंशन का इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, 15 से पहले ही बुढ़ापा पेंशन का इंतजार इस बार समाप्त हो जाएगा, ऐसी अपडेट प्राप्त हो रही है। और दोस्तों, दूसरी बात करें अगर बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, तो दोस्तों ऐसी कोई भी फिलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन चर्चा काफ़ी चल रही है कि 3500 रुपये पेंशन मिलेगी, यानी कि 3500 रुपये पेंशन हो चुकी है। ऐसी अपडेट जो कि कोई फिलहाल अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन हरियाणा में बुज़ुर्गों के जो कि बुज़ुर्ग काफ़ी सुनते हैं ऐसे कहते हुए कि जो 3500 रुपये पेंशन हो चुकी है, लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसी हमारे पास कोई भी फिलहाल अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, 3000 रुपये पेंशन ही मिलेगी आपको पहले की तरह, लेकिन दोस्तों इस बार जो आपको 15 तारीख से पहले पहले पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।